हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्रामीणों की सूझबूझ से दो युवकों को स्कूल में ही पकड़ा, सौंपा पुलिस को। वीडियो में पकड़े गए युवकों में दो बता रहे हैं सांदड़ी निवासी। पालड़ी थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। दो युवकों को पकड़ ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। शिवगंज उपखंड के पालड़ी थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परमारों की दाणी वाक्सिन में कार्यरत संस्थान प्रधान शैल सिंह पर एक कार व मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 5 से 6 युवकों ने विद्यालय में पहुंचकर लोहे के सरिये सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद शिक्षक द्वारा चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। ऐसे में ग्रामीणों के सहयोग से दो युवकों को पकड़ा गया व 4 अन्य वहां से भाग निकले, जिसकी सूचना थाने में देने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा दो युवकों को स्कूल से पकड़ा। वहीं इस मामले को लेकर प्रार्थी शैल सिंह ने थाने पहुंचकर चक्रवर्ती सिंह सहित 5 से 6 व्यक्तियों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। वही बताया जाता है कि शिक्षक के पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर यह विद्यालय में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। वही पूर्व में प्रार्थी के घर जाकर रंजीव वंश उक्त शक्ति सिंह नामक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिवगंज थाने रिपोर्ट भी दी थी। शैल सिंह ने पालड़ी एवं पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय परमारों की दाणी में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं तथा संस्था प्रधान का दायित्व भी मेरे पास है। मैं दिनांक 17/9/2021 को रोज की भांति विद्यालय में जोर से चिल्लाया तो ये लोग पास से भागने की कोशिश करने लगे, तो स्कूल के आसपास में होकर गुजर रहे लोगों ने और मैंने उसमें से दो युवक को मोड़ सिंह निवासी बागसी ने और दूसरे व्यक्ति को रावत सिंह तथा इंद्र सिंह ने पकड़ लिया। उक्त दोनों व्यक्तियों को पकड़ कर रखने के दौरान 4 जने व्यक्ति भाग कर मौके से फरार हो गए। उनके पास एक कार और एक मोटरसाइकिल एक स्कूटी लेकर आए थे, जिसमें से स्कूटी बिना नंबर की थी। वही और उसका परिवार मेरे से देव भावना रखता था। आज से करीब 15 दिन पहले भी इसी चक्रवर्ती सिंह ने मुझे मेरे घर पर आकर रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी थी कि तेरा इसी महीने में खेल खत्म कर दूंगा, तेरा जीवन समाप्त है। क्या कहते हैं अधिकारी, प्रार्थी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया और मौके पर से दो युवक को गिरफ्तार किया गया। जागरूक टीवी के शिवगंज से खास रिपोर्ट।